आप देखेंगे सरयू नदी का जो शाम का समय है कितना एक सौंदर्य रूप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब दोस्तों। एक बार फिर से आपका न्यू ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों अभी मैं बता दूं, मैं हूं यूपी के अंदर और अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर भगवान श्री राम का नगरी या आप नगर बोल सकते हैं। और आप मेरे पीछे की तरफ आप देखेंगे इधर तो ये है सरयू नदी। वो काफ़ी बड़ा सा ब्रिज है, ऊपर से ट्रेन का ब्रिज निकलता है। और मैं अभी जा रहा हूँ सामने की तरफ, मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर पास में राम की पेड़ी है, वो मैं आपको दिखाऊंगा, देखने लायक है। तो आप बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ में और वीडियो को बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं भीड़ वगैरह, और इधर पीछे की तरफ आप देखें तो काफ़ी मूर्तियाँ उधर सरयू नदी के किनारे ले जा चुकी है। और यहाँ का जो सीन है सच में देखने लायक है। और मैं यहाँ पर आया हूँ तो मुझे यहाँ आने के बाद बहुत ही खुशी मिली। और यह पवित्र स्थान है, आपको मैं एक बार फिर से बताता हूँ, अयोध्या जो उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। दोस्तों आप देख पा रहे हैं यह है सरयू नदी। दोस्तों मैं बता दूं, मैं अभी मौजूद हूं लक्ष्मण घाट पे, जो यूपी के अयोध्या में स्थित है। और अगर आप मेरे पीछे की तरफ देखेंगे तो इधर सरयू नदी है, और जो ये आप देख सकते हैं कितना भरा हुआ है और कितना पानी पानी है इसमें। और ये लगभग यहाँ से लक्ष्मण घाट ही है पूरा कम्प्लीट यहाँ से यहाँ तक। और आप अगर इधर की तरफ देखोगे तो मैं आपको बता दूं, ये जो ब्रिज दिख रहा है, इस ब्रिज के उस पार, जैसे ये ब्रिज ख़त्म होता है तो वहाँ से ये राम घाट स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर जो घाट थे उन घाटों को एक अलग रूप दे दिया गया है। इधर आप, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। और यहाँ से जो पानी है, जो पानी यहाँ का सरयू नदी का जो पानी है, इस पानी को फिल्टर करके और उस उन घाटों पर यूज़ में लिया जाता है। और एक स्वच्छ पानी के रूप में उनको घाटों के ऊपर देखने को मिलता है। और अब हम चलते हैं दोस्तों इधर की तरफ। अगर आप देखेंगे तो, और दोस्तों हमें एक चीज़ और बता दो, इधर माँ दुर्गा पूजा का जो विसर्जन किया जाता है, उधर वो जो भीड़ वगैरह दिख रही होगी उस तरह, उस साइड में माँ दुर्गा पूजा का विसर्जन किया जाता है। और आप देखेंगे सरयू नदी का जो शाम का समय है कितना एक सौंदर्य रूप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं ये जो आप अभी देख पा रहे हैं, यह है यहाँ की हर की पेड़ी का एक गार्डन के रूप में बनाया गया है, पार्क के रूप में, जहाँ लोग रुकते हैं, कुछ समय बिताते हैं, शांत वातावरण के अंदर अपना कुछ समय बिताते हैं। और अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, आप इधर देखेंगे तो मैंने आपको वो जो सरयू नदी जो आपको दिखाई थी, उसका जो जल है इधर ट्रांसफ़र किया जा रहा है फिल्टर करके। आप देख पा रहे होंगे इधर से वो फिल्टर करके और इन घाटों के रूप में यूज़ किया जाता है। यहाँ पर इन घाटों में लाया जाता है। और आप देखेंगे तो इधर काफ़ी लंबाई के अंदर, काफ़ी दूरी के अंदर ये इधर घाट बने हुए हैं। आप देख सकते हैं कि जितने भी ये सब घाट है, भगवान श्री राम की जो नगरी है अयोध्या, यहाँ से मैं भी आपको
सीन दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं, देख पा रहे हैं अभी जो अपने भारत के एक ऐसा शहर जो, और इसको स्वर्ग माना जाता है क्योंकि हमारी जो भगवान श्री राम की जो नगरी है, और मैं अभी यहाँ पर हूँ हर की पेड़ी। आपको मैं बता दूँ, ये जो पीछे वाला है, ये जो पीछे वाले घाट हैं, ये थे पुराने घाट और अब इनको नया रूप दे दिया गया है। आप देखेंगे तो इधर का जो बना हुआ है, ये नए रूप में इनको परिवर्तन कर दिया गया है। आप देखेंगे इधर तो ये सारा इधर नया रूप दे दिया है और इधर घाट वगैरह बना दिया गया है। और यहाँ का जो पानी का जो सबसे उच्चतम जो व्यवस्था है, उस सरयू नदी से किया जाता है, आपको मैंने पीछे की तरफ दिखाया होगा, और वहाँ से फिल्टर करके और इधर पानी लाया जाता है। और अभी आप देख सकते हैं पानी इसमें काफ़ी गहराई है पानी की,